अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स। टुडे वी आर हियर फॉर न्यू लीगल टॉपिक, जिस पर आज हम लीगल लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है ओवरसीज आइडेंटिटी कार्ड, ओवरसीज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, नाइकॉप जिसको बोलते हैं, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी, नाइकॉप जिसको बोलते हैं। देखिए, अंडर सेक्शन 12 है नादरा आर्डिनेंस 2000 का, उसमें ये कहा गया कि अथॉरिटी, नादरा अथॉरिटी ऐसा कार्ड इशू करेगी उन पाकिस्तानी को जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान से बाहर किसी कंट्री में रहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं, उनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, वो पाकिस्तानी नेशनल है, वो किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं, तो उनको जो इशू होगा आइडेंटिटी कार्ड, दैट इज कार्ड नाइकॉप। देखिए, जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं उनको जो इशू होता है वो CNAC इशू होता है, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से बाहर किसी कंट्रीज में रिहायश अख्तियार किए हों, आर्जी तौर पर है या मुस्तकबिल तौर पर है, तो उनके लिए जो नादरा अथॉरिटी है वो कार्ड इशू करेगी, दैट इज कॉल्ड नाइकॉप, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी, अंडर सेक्शन 12 है, उसके तहत ये कार्ड उसको इशू करेगा। वो मुतलका जो क्राइटेरिया है, जो शरायत है, जवाबत वो पूरी होगी, तो उस सूरत में नादरा उनको नाइकॉप इशू करेगा। अथॉरिटी सेक्शन 12 इसको रिलेट करता है, सेक्शन 12 के तहत नादरा उसको इशू करेगा, नाइकॉप इशू करेगा। अब जो है उसी शरात जवाबत के साथ उस कार्ड के रिन्यू भी हो सकती है, वो अगर एक्सपायर हो जाता है तो फिर रिन्यू भी होगा। उसका एक क्राइटेरिया मुकर्रर किया गया है कि किन किन को मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, वो क्राइटेरिया जो पूरी करता है तो उसको नाइकॉप इशू होगा। अब जो है वो उनको मिलेगा, जैसा जो कोई रेजिडेंट्स है अब्रॉड के, ऐसी क्लास जो अब्रॉड में रहती है पाकिस्तानी की, उसको प्रिस्क्राइब तरीके से उसको, या प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ इमिग्रेंट है और उसको ये नाइकॉप जो है वो इशू होगा। एक सच फॉर्म पर तरीकेकार है, उसकी पेमेंट होगी, उसकी फीस होगी, और उसके बाद वो उस पीरियड के लिए जो वो मुकर्रर करते हैं, 2 साल 5 साल 10 साल 15 20 साल, जो भी वो अपने नोटिफिकेशन में जो रूल्स उसके बताते हैं, उसके तहत वो इशू होगा, उसको नाइकॉप इशू किया जाएगा। जो है नादरा अथॉरिटी उसको इशू करेगी। अब प्रोसीजर इसका क्या है नाइकॉप इशू कराने का, सेक्शन 12 जो के तहत जो नाइकॉप ओवरसीज पाकिस्तान के इशू का तरीकेकार ये है कि अंडर सेक्शन 3 के तहत नादर रूल जो है 2002 के तहत रजिस्ट्रेशन का तरीकेकार बताया गया है, जिसके तहत फॉरन सर्विस मुहैदा के तहत उसके रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, और उसके रूल्स दिए गए हैं सेक्शन 5 में नादरा के, उसके तहत उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, और सेक्शन 371 दिया गया है, उसके तहत जो है वो नॉन रेजिडेंट है, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं नाइकॉप के लिए, वो अप्लाई करेंगे। शर्त यह है कि वो नॉन रेजिडेंट है, पाकिस्तानी है, तो अथॉरिटी जो है उसको नाइकॉप इशू कर देगी। ये तो हमारा आज का टॉपिक कि नाइकॉप किस तरीके से और किसको इशू होता है। इसके साथ मुझे इजाजत दें, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।